देंगे, हाँ? फिर दूध डालेंगे, हाँ? दूध को फिर ऐसे कलुका देंगे जिसमें छींटे आएंगे, हाँ? फिर खाएंगे। क्या 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 बना रहे गाइस, आज हमारे आए इतने सारे दूध के पाउच, तो हमारे क्या बनने वाला है? और ये हमारा गुद गया है आटा, अजवाइन डाला हुआ, तो इससे आज हमारी बनेंगी पूड़ियाँ। और ये हमारी बन गई है आलू लौकी की सब्जी, और हमारा ये दूध, अभी मेरी दीदी बना रही है खीर, ये देखो चावल वाली खीर बना रही है। पापा की इलायची का बीज लगा है। टू क्या कर रहा है नीचे जाके नानी के साथ? नहीं बुला रही है नानी, क्या कर रही है? तू चिल्ला रहा है, कहाँ जाना है तुझे, सांप होगा वहाँ। अलीत कहीं का अच्छा, फिर हम इसमें दूध के बाद क्या करेंगे? फिर उसको मिक्स करना। अच्छा मिक्स करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर उसको एक तरफ से, एक तरफ से जी बोलिए, फिर उसको ऐसे लगा देना। अच्छा जी शेफ, फिर क्या होगा शेफ? मुझे दो। अरे हमें बना रहे हैं, आप बताइए ना रेसिपी, बताइए। अब हम हमारे चावल भून दें गाइस, फिर क्या करना है गाइस हमको? गाइस ये मैं चावल भूनेंगी, उसके बाद ₹400 तो मैंने देखा कि ये तो सिर्फ जेरोक्स करके उसके अंदर कार्ड डाल रहे हैं, नॉर्मली ऐसे वाले कार्ड जो है नॉर्मली इसके अंदर कार्ड डाल रहे थे लिफाफे के अंदर, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं इसको ऐसा, फिर मैंने ऐसा किया, मैंने अपने हाथ से उसमें माइक्रोसॉफ्ट में किया, उसके बाद वर्ड में ये किया, उसके बाद मैंने ये चार ऐसे करके वो पेज ऐसे करके छपा लिए। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे करके कट कर रही हूँ, फिर उसके बाद साइड से निकाल के ये मेरा बन जा रहा है कार्ड, और उसको मैं डाल दे रही हूँ लिफाफे के अंदर, ठीक है? तो मेरे ये कार्ड बन जा रहे हैं ऐसे करके, क्योंकि जब हमने कुछ चीज़ सीखा है तो हमें उसको यूज़ करना भी आना चाहिए ना, तो मैंने ऐसे बना लिया। तो अब इसके अंदर एक कार्ड है, ये बढ़िया बन गया है। तो गाइस ये खाने लग गई है खाना, क्या खा रहे भाई? ये हमारी खीर और ये हमारी कैसा हो रहा है? खुद ही बना रखा, खुद ही किता है, खुद ही मुँह या मिठू मतलब सॉरी। ये देखो हमारी पूरा मंदिर हो गया चमाचम, अभी तो और डालना है ऊपर भी। कितना बचा है अब? अभी मंदिर की बेदी बची है सबसे ऊपर वाली, ऊपर को देखो जरा, शक्ल दिखा दो। सो गाइस होपफुली आपको वीडियोस पसंद आई होंगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको पेंटिंग कैसी लगी। थैंक यू, लव यू ऑल।